प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतीय शासन अधिनियम 1919 के सामान्य लक्षण व विशेषताएं देखेंगे। आपको जानकारी है कि 1917 में मॉन्टेग्यू की घोषणा हुई थी और इस घोषणा को क्रियान्वित करने की दिशा में ये 1919 का अधिनियम प्रथम चरण था। इसने महत्वपूर्ण परिवर्तन किए और भारत में प्रतिनिधित्वात्मक संस्थाओं का विकास की दिशा में एक नवीन युग का सूत्रपात या एक नवीन युग है वो प्रारंभ हुआ। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख लेखक है श्री एन श्रीनिवासन, वो कहते हैं यह नौकरशाही शासन की पद्धति का प्रथम उल्लंघन और प्रतिनिधित्वात्मक शासन का वास्तविक प्रारंभ। यहाँ पर हमने दो महत्वपूर्ण टर्म काम में लिए श्रीनिवासन साहब ने। पहला नौकरशाही शासन की पद्धति और दूसरा प्रतिनिधियात्मक शासन। नौकरशाही शासन की पद्धति को कहा जाता है जब पूरे शासन की बागडोर सिविल सर्वेंट्स के हाथों में हो, और उस समय ब्रिटिश काल में वो ICS अधिकारी भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों के हाथ में था, उत्तरदायी मंत्रियों के हाथ में नहीं था। जनता के प्रतिनिधि नहीं थे वो, बल्कि नौकरशाही के प्रतिनिधि थे। इसके स्थान पर पहली बार प्रतिनिधियात्मक शासन अर्थात जनता के प्रतिनिधियों को, मंत्रियों को है शासन सौंपना प्रारंभ किया। इस दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिनियम की यदि हम प्रस्तावना देखें, प्रीएम्बल, भारतीय संविधान के प्रीएम्बल के बारे में आप जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है किसी भी कानून के लिए, किसी भी एक्ट के लिए एक प्रस्तावना। तो 1919 के अधिनियम प्रस्तावना में लिखा गया है क्या करने जा रहे हैं हम, रूपरेखा क्या होगी उसके बारे में। पहली बात कही प्रस्तावना में, ब्रिटिश भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक अखंड भाग रहेगा, अर्थात स्वतंत्रता की आंशिक बात भी इस अधिनियम में नहीं है। क्या कहा गया, ब्रिटिश भारत जो ब्रिटिश इंडिया वो ब्रिटिश शासन का ही भाग रहेगा, उनकी स्वतंत्रता की बात है या उनको स्वतंत्रता फिलहाल नहीं दी जाएगी। पहली बात कही। दूसरी, ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी शासन संसद की घोषित नीति का लक्ष्य है। ऑलरेडी संसद की घोषित नीति है कि ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी शासन की है वो स्थापना की जाए। अब जब ब्रिटिश भारत नाम मैं बोल रहा हूँ आपके सामने तो थोड़ा कुछ आपको अलग लग रहा होगा। ब्रिटिश भारत उसको कहा जाता है जिसमें कि गवर्नर थे और ब्रिटिश गवर्नर उन प्रांतों का शासन करते, और कई प्रांत थे, कईयों के नाम आपको पता है, जैसे बॉम्बे थे, मद्रास है, बंगाल है, इत्यादि इत्यादि और कई सारे प्रांत थे, इसको ब्रिटिश भारत कहा जाता है। इसके अलावा और भारत था, और वो भारत कौन सा था, देसी रियासतों का, जिस पर कि राजा शासन करते थे। तो ये जो है कि ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात है, देसी रियासतों के बारे में इसमें कुछ भी नहीं कहा गया, ये प्रस्तावना में लिखा गया है। तीसरी बात है, उत्तरदायी शासन धीरे धीरे दिया ही दिया जा सकता, तुरंत नहीं दिया जाएगा, ग्रेजुअली स्टेप्स में सने सने, ये भी प्रस्तावना का एक भाग है। चौथी बात कही कि उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए आवश्यक है कि दो काम किए जाए। पहला, प्रशासन की हर शाखा से भारतीयों का अधिकाधिक संबंध, और दूसरा स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक परिवर्तन। साम्राज्य के बाहर स्वतंत्र भारत की कल्पना नहीं की जा सकती, पुनः इस बात को दोहराया गया। यह प्रस्तावना ब्रिटिश संसद की संप्रभुता को बनाए रखना चाहती है, अर्थात अभी भी सर्वोच्च कौन है, ब्रिटिश संसद। भारत के लिए मूल मुख्य कानून कौन बनाएगी, ब्रिटिश संसद।
भारत को अभी स्वतंत्रता या पूर्ण स्वायत्ता देने की कोई बात है इस अधिनियम में नहीं है। ये प्रस्तावना जो 1919 के अधिनियम के उद्देश्यों को निर्धारित करती है, किन किन बातों का समावेश इनमें होगा उसकी गणना है, वो प्रस्तावना में की गई है। अब प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम उसके सामान्य विशेषताएं या सामान्य लक्षण देखने की कोशिश करें, क्या क्या बातें थी 1919 के अधिनियम में, सबसे पहला लक्षण और महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन। इसके बारे में हम विस्तृत वार्ता भी करेंगे आगे आने वाले वार्ताओं में। आपने द्वैध शासन नाम सुना होगा, डायर की पूरी एक वार्ता करेंगे हम इस पर। तो इस अधिनियम से सबसे महत्वपूर्ण बात की गई, प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन स्थापित करने की बात कही गई, जो ब्रिटिश गवर्नर के प्रांत थे। इसका क्या अर्थ है, थोड़ा सा अर्थ बताऊंगा मैं, विस्तृत नहीं बताऊंगा। आंशिक उत्तरदायी होने का तात्पर्य क्या है, पूर्ण रूप से प्रांतों का शासन उत्तरदायी मंत्रियों के हाथ में देना तय नहीं किया गया, निर्वाचित मंत्रियों के हाथ में देना तय नहीं हुआ, बल्कि विषयों को दो भागों में बांटा गया, रक्षित और हस्तांतरित। कुछ ऐसे विषय थे जो कि अभी भी ब्रिटिश मंत्रियों के हाथ में थे, कुछ ऐसे विषय थे जो कि भारतीय मंत्री को दिया गया, इसके लिए एक उत्तरदायी कार्यकारिणी के सदस्यों के, ये जो रक्षित विषय थे वो ब्रिटिश के शासन के प्रति, गवर्नर के प्रति उत्तरदायी कार्यकारिणी परिषद, गवर्नर की एक कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी, उसके सदस्यों के अधीन थे, भारतीयों के हाथ में नहीं थे, वो निर्वाचित नहीं थे, नामांकित सदस्य थे कार्यकारिणी के, और जो हस्तांतरित विषय थे वो लोकप्रिय मंत्रियों को सौंप दिए गए। लोकप्रिय मंत्रियों को सौंपने का यहाँ तात्पर्य यह है कि जो प्रांतीय व्यवस्थापिका के निर्वाचित सदस्य थे और जिनके पास बहुमत था व्यवस्थापिका का, और इस व्यवस्था को द्वैध शासन कहा जाता है, और मैंने जैसे पहले बताया आपको, इस पर हम अलग से विस्तृत चर्चा करेंगे। दूसरी विशेषता है इसकी, भारतीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों को संयुक्त करना, पहले कम थे अब उनकी सदस्य संख्या है वो बढ़ाई गई। किस तरह से, बड़े प्रांत थे जो मद्रास, बम्बई और बंगाल की सरकारें थी, जो बड़े प्रांत थे ये, कि रक्षित भागों के चार सदस्यों में से दो भारतीय और शेष प्रांतों में एक भारतीय नियुक्त किया जाता था, जो कि भारत मंत्री की सिफारिश पर नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही की जाती थी। तो प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद जो कि गवर्नर को सलाह और मशवरा देती थी, बड़े राज्य थे वहाँ पर दो, छोटे राज्य थे एक, नियुक्ति भारत मंत्री की सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट द्वारा है वो की जाती थी। तो भारतीयों को प्रतिनिधित्व है थोड़ा सा दिया गया, बहुत अधिक नहीं दिया गया, छह सदस्य है उसमें से दो भारतीय, या जो छोटे प्रांत है एक भारतीय, तो मेजोरिटी नहीं थी, अभी भी चार सदस्य ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स थे, पर दो भारतीय होना अनिवार्य था और जिनकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा है वो की जाती नहीं थी। प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन किया गया, जो प्रांत थे और इनकी संख्या में वृद्धि की गई, जो बड़े प्रांत थे जो मैंने अभी नाम बताया आपको, मद्रास है, बंबई है, बंगाल है, बड़े प्रांत में अधिक से अधिक 140 सीटें और छोटे प्रांत में कम से कम 60, ये सीमा है, बड़े प्रांतों में अधिक से अधिक 140 अर्थात कम भी हो सकती है, पर किसी भी प्रांत में 60 सदस्यों से कम है वो नहीं हो सकती। इसमें से 80% सदस्य निर्वाचित होते थे और 20% सदस्य मनोनीत होते थे, नॉमिनेटेड, वो गवर्नर से या गवर्नर जनरल से जो भी व्यवस्था थी उसके अनुरूप मनोनीत किए जाते थे, पर 80% की संख्या है वो निर्वाचित सदस्यों की थी। चौथी विशेषता हम गिना सकते हैं 1919 के अधिनियम की, केंद्र में अनुत्तरदायी शासन, जिसमें मैंने आपको प्रस्तावना बताई थी,
आपको शायद ध्यान है कि उत्तरदायी शासन को स्थापित करने की बात कही थी, पर धीरे धीरे प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन स्थापित करने की बात इस अधिनियम में की गई, लेकिन केंद्र में पूरी तरह से अभी भी अनुत्तरदायी शासन था। केंद्रीय विधानमंडल के प्रभाव से केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूरी तरह से मुक्त था, अनुत्तरदायी था, उनके नियंत्रण में नहीं था। यद्यपि केंद्रीय व्यवस्थापिका की शक्तियों और अधिकार में है वो वृद्धि की गई, तो इसका अर्थ यह है कि प्रांतों में आंशिक उत्तरदायित्व दिया गया पर केंद्र में पूरी तरह से अनुत्तरदायी शासन की व्यवस्था है वो स्थापित रही। जो भी गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य थे जिनके हाथ में विभाग था उनका उत्तरदायित्व व्यवस्थापिका के प्रति जीरो शून्य था, अर्थात बिल्कुल भी उनका उत्तरदायित्व है केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति नहीं था। अगली विशेषता बता सकते हैं हम, केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों की नियुक्ति। जो केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद जो कि गवर्नर जनरल को परामर्श सलाह देने के लिए एक केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद थी, गवर्नर जनरल की निरंकुश वो स्वेच्छाचारी शक्ति बनी रही, अभी भी वो सर्वोच्च है, लेकिन केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में सुधार किए, कई नवीन नियम, अल्टीमेट पावर इज विथ गवर्नर जनरल। अभी भी अंततः सर्वोच्च कौन है, गवर्नर जनरल, पर उसकी कार्यकारिणी परिषद जो उसको सलाह और मशवरा देने के लिए थी उसमें कई प्रकार के सुधार किए गए। जैसे पहली बात, कार्यकारिणी में संख्या संबंधी प्रतिबंध हटा लिया गया, जरूरत के अनुरूप संख्या है वो बढ़ाई या घटाई जा सकती है। दूसरी बात थी, भारतीय उच्च न्यायालय के वकीलों को जिनका कार्य अनुभव 10 वर्ष से अधिक हो परिषद का लॉ मेंबर होने के योग्य ठहराया गया, जो 10 वर्ष तक वकालत कर चुका है वो लॉ मेंबर बन सकता है इस परिषद का। और तेज बहादुर सप्रू, आपने नाम सुना होगा, पहले भारतीय थे जो इस कार्य इस परिषद के लॉ मेंबर थे, लॉ सदस्य हुआ करते थे, कभी कभी जीके में प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके अलावा भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई, इस कार्यकारिणी परिषद में 3 भारतीय होना है वो अनिवार्य कर दिया गया। तो ये कुछ कार्यकारिणी परिषद में है वो परिवर्तन किए गए। यदि अगली इसकी विशेषता देखें तो द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानसभा का निर्णय किया गया, अर्थात केंद्रीय व्यवस्थापिका है वो द्विसदनीय होगी। पहले क्या थी, एक सदनीय थी, उसके स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई जो कि वर्तमान समय में हमारी संसद है, लोकसभा और राज्यसभा। ये व्यवस्था द्विसदनीय पहली बार 1919 के अधिनियम से है वो प्रारंभ हुई। इसके जो दो सदस्य थे, पहला था केंद्रीय विधानसभा, उसका नाम था, 143 सदस्य थे इसमें, 103 का चुनाव, पीछे कितने रहे 40 जो कि मनोनीत हुआ करते थे, और दूसरे सदन का नाम राज्य परिषद था जिसमें 60 सदस्य होने थे, 33 का चुनाव और 27 गवर्नर जनरल द्वारा है वो मनोनीत होते हैं। इस प्रकार पहली बार द्विसदनीय व्यवस्थापिका का प्रावधान किया गया। अगली विशेषता है, भारतीय शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में कमी। जो गृह सरकार थी, होम गवर्नमेंट, उसका कंट्रोल है कम से कम हुआ। यदि गवर्नर जनरल तथा केंद्रीय व्यवस्थापक का सहमत हो तो गृह सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी। ये गृह सरकार कहाँ है, ब्रिटेन में, ब्रिटेन की जो होम मिनिस्ट्री है वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। प्रांत में हस्तांतरित क्षेत्र में गृह सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं था, वो उसमें पूरी तरह से है वो स्वतंत्र थे। इसके अलावा भारत परिषद में परिवर्तन किया गया, आपको शायद जानकारी है, नहीं भी है तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि ब्रिटेन में एक भारत परिषद हुआ करती थी जो भारत मंत्री को सलाह और परामर्श देती थी,
ब्रिटिश सरकार को भारत मामलों में सलाह देती थी, जिसको भारत परिषद कहा जाता था। इसके कंपोजिशन में, इसकी संरचना में है वो परिवर्तन किया गया। भारत परिषद को समाप्त करने की भारतीयों की मांग थी कि भाई आप ब्रिटेन में बैठ करके भारतीयों के प्रति क्या निर्णय ले सकते हैं, और वो भी ब्रिटिशर्स, तो इसलिए इसको समाप्त किया जाए। पर इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया। कुछ गठन में, इसके संगठन में परिवर्तन किया गया, और वो परिवर्तन था, इसमें कम से कम 8 और अधिक से अधिक 12 सदस्य नियुक्त करने की व्यवस्था, 8 और 12 के बीच में ऐसी संख्या, और वो ऐसे सदस्य होने चाहिए जो नियुक्ति की तिथि से पूर्व कम से कम 10 वर्ष भारत में रह चुके हो। ऐसा क्यों? कि ऐसे लोग जो कभी भारत में रहे ही नहीं और जिनको भारत की समस्याओं के बारे में विचार विमर्श करना है, निर्णय करना है, तो जिनको समस्याओं के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो इसलिए ये शर्त लगाई गई कि नियुक्ति के पूर्व कम से कम वो 10 वर्ष तक भारत में रह चुके हो, जो भारत की समस्याओं के बारे में प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप में कुछ जानते हो, पूरी तरह से नहीं पर सामान्य जानकारी उनको होनी चाहिए। इसका कार्यकाल पहले 7 वर्ष हुआ करता था भारत परिषद का, उसको घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया, और कुछ कार्य के संचालन के नियमों भी है वो परिवर्तन किया गया। एक और महत्वपूर्ण काम 1919 के अधिनियम से किया गया, या उसकी विशेषता थी कि ये अधिनियम प्रावधित करता था केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की ओर, सेंट्रलाइजेशन टू डिसेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण की नीति लॉर्ड कर्जन, बड़े खूंखार गवर्नर जनरल हुआ करते थे भारत के, कट्टर जिसको कहते हैं, लॉर्ड कर्जन के समय से ही थी, उसको समाप्त कर दिया गया। अब केंद्रीकरण के समाप्त कर दिया गया, कुछ राजस्व प्रशासन के विषयों का विकेंद्रीकरण किया गया, मतलब एक केवल केंद्रीय सत्ता के हाथ में नहीं, उसका डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण नीचे लेवल तक, केंद्रीय नियंत्रण के से हटा करके प्रांतीय सरकारों को काम दे दिए गए, कई प्रांतों को कर लगाने का, वो ऋण लेने का भी अधिकार दिया गया, जो कि पहले नहीं था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात की गई कि इस अधिनियम में शक्ति विभाजन की बात की गई। अभी भारत में शक्ति विभाजन है, विद्यार्थियों आपको शायद जानकारी है, 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। 1935 में ये 3 सूचियां थी, पर 1919 के अधिनियम में केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों के बीच में शक्ति विभाजन की बात की गई थी। अर्थात कुछ विषय ऐसे थे जो महत्वपूर्ण विषय केंद्र के हाथ में थे, कुछ विषय ऐसे थे जो कि राज्यों को है वो सौंपे गए, तो इस प्रकार प्रथम बार शक्ति विभाजन किया गया केंद्र और प्रांतों के बीच में। इसके अतिरिक्त निर्वाचन तथा मताधिकार में भी परिवर्तन किया गया, मताधिकार बढ़ाया गया, प्रत्यक्ष निर्वाचन का सूत्रपात हुआ, मताधिकार का विस्तार किया गया, और भारत की लगभग 10% जनता को मताधिकार था। लेकिन एक बात जो विद्यमान रखी गई, सांप्रदायिक निर्वाचन जो 1909 के अधिनियम से प्रारंभ हुआ था और केवल मुसलमानों लीग की मांग के आधार पर मुसलमानों को दिया गया था, इसको बढ़ा करके अन्य कई संप्रदायों को भी ये मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किए गए, जिसको सांप्रदायिक निर्वाचन कहते हैं। जैसे पंजाब में सिखों को, कई जगह यूरोपियन के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए निर्वाचन क्षेत्र है वो निश्चित किए गए। तो सांप्रदायिक निर्वाचन को कम करने की बजाय विस्तृत किया गया, और अधिक है वो बढ़ाया गया। इसके अलावा पहली बार नरेश मंडल की स्थापना हुई, आपने शायद सुन, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज, नरेश मंडल। अभी तक जो भी बातें थी अधिनियम में, वो केवल और केवल
ब्रिटिश गवर्नर प्रांतों के लिए थी, जिसको कि ब्रिटिश भारत कहा जाता है। लेकिन पहली बार नरेश मंडलों की भी स्थापना की गई 8 फरवरी 1921 को। पहली बार 1919 के अधिनियम के आधार पर दिल्ली में नरेश मंडल की स्थापना हुई। इसकी सदस्य संख्या 121 थी, जो देसी रियासतों के राजा हुआ करते। सभी राजा नहीं थे इसके सदस्य, कुछ महत्वपूर्ण देसी रियासतों के राजा थे। वाइसराय इसका प्रमुख था। ये केवल परामर्शदात्री सभा हुआ करती थी, ये केवल परामर्श दे सकती थी इनके निर्णय लागू हो या नहीं। यह वाइसराय और वाइसराय परिषद के सदस्यों पर है, वो निर्भर करती थी। तो ये कुछ मुख्य विशेषताएं हैं 1919 के अधिनियम की, जिसके आधार पर कि ये 1919 का अधिनियम कार्य रूप में परिणित हुआ और केंद्रीय शासन और राज्यों में आंशिक उत्तरदायी शासन है वो प्रारंभ किया गया। ये अधिनियम एक तरह का प्रयोग था, एक ट्रांजिशनल पीरियड था कि उत्तरदायी शासन का प्रारंभ करें, यदि सफल होता है तो शायद आगे विस्तृत करने की भी बात हो सकती है। 10 वर्ष इसको लागू होने के 10 वर्ष मतलब 1929 तक आते आते 10 वर्ष के बाद एक कमीशन नियुक्त होना था, जो इसके प्रावधानों का पूरी तरह से आंकलन करेगा, उसका मूल्यांकन करेगा, उसकी उन्नति का सुझाव देगा, उसकी सफलताएं और असफलताएं किस रूप में रही है उसका सुझाव देगा, और उसके आधार पर विस्तृत प्रावधान भी किए जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1919 का अधिनियम एक प्रयोगकालीन अधिनियम था, एक संक्रमणकालीन अधिनियम था, और उत्तरदायी शासन की दिशा में एक प्रकार का नींव का केवल एक पत्थर था, उस पर अभी इमारत खड़ी होनी बाकी थी। प्रारंभ किया गया वो भी बिल्कुल ही सीमित दायरे में। तो ये सब बातें, ये प्रावधान करने का मुख्य कारण है शायद ब्रिटिश शासन व्यवस्था की भारत के प्रति अपनी कठोर नीति में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ और उदार नीति का श्री गणेश हुआ, जो अल्टीमेटली अंततः भारत की स्वतंत्रता में परिणित हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, ये 1919 के अधिनियम की केवल मुख्य विशेषताएं हैं। इसके अलग अलग भागों पर चर्चा हम आगे आने वाली वार्ताओं में करेंगे कि केंद्रीय शासन कैसा था, केंद्रीय व्यवस्थापिका कैसी थी, केंद्रीय कार्यपालिका कैसी थी, राज्यों में किस प्रकार की व्यवस्था थी, द्वैध शासन किस प्रकार का था, और इसका सामान्य मूल्यांकन किस तरह से करते हैं, द्वैध शासन फेल हुआ तो किस तरह से हुआ, ये सब चर्चा हम आगे आने वाली वार्ताओं में इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ये केवल एक रूपरेखा है, आउटलाइन है, उसके मुख्य मुख्य बिंदु जो प्रावधित किए गए थे उसके बारे में मैंने आपको बताया, और विशेषताएं या लक्षण पूछे आपको परीक्षा में कभी भी प्रश्न, तो ये जो पॉइंट है वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। इसमें आप थोड़ा थोड़ा लिखें, क्योंकि विस्तृत प्रश्न अलग अलग पूछे जा सकते हैं, जैसे केंद्रीय शासन व्यवस्था क्या थी 1919 के अधिनियम के तहत, राज्यों की व्यवस्था क्या थी और वो फेल्योर हुई या सफल हुई, उसके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैं समझता हूँ 1919 के अधिनियम के बारे में बेसिक जानकारी आपको शायद मिली होगी, इसका विस्तृत आप अध्ययन करें और इसकी व्यापक जानकारी आपको आगे आने वाली वार्ताओं में दी जाएगी, और किताबें पढ़ें आप। मैंने बताया आपको राष्ट्रीय आंदोलन पर वॉल्यूम्स उपलब्ध हैं बहुत सारे, जो अक्सर विद्यार्थी उनको पढ़ते नहीं हैं, उनके बारे में अनभिज्ञ रहते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन को विस्तृत पढ़ने की आवश्यकता है, जिसमें आपको पता लगेगा कि स्वतंत्रता प्राप्त किस तरह से हुई, कितनी कोशिशें करनी पड़ी, कितने न्योछावर हुए, इन सब बातों की जानकारी है। आप स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पढ़ने से ही प्राप्त
कर सकते हैं। मैं आपके सुखी और समृद्ध भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।